मैं हूँ झरना और आज मैं आपको बताऊंगी हमारे तारकर्ली के ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में। तो तारकर्ली किसे जाना चाहिए? सबसे पहला जो नेचर लवर है, दूसरा जो सी लवर्स है और वो सी को इस तरीके से देखना चाहते हैं जैसे कि कुदरत ने उसे बनाया है, और हाँ स्कूबा डाइवर्स के लिए भी एक पहली पसंद बन सकता है। तो आइए चलते हैं तारकर्ली के सफर पर। मुंबई से तारकर्ली जाने के लिए आपको कुडाल स्टेशन तक के लिए काफी ट्रेन मिलती है। हमने चुनी तेजस एक्सप्रेस जो सुबह 5:30-6 बजे के आसपास सीएसटी से चलती है। तो हम तेजस ट्रेन की कंफर्ट और खानपान का मजा लेते लेते और लगभग 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन से नजारों का मजा लेने लगे। ये रूट बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस रूट पर दिन में ट्रैवल करना चाहिए। तो दोपहर को हम उतर गए कुडाल स्टेशन पर। वहां से रिक्शा लेकर हम पहुंचे तारकर्ली। हमने वहां अविसा नीला होटल में सी फेसिंग रूम की बुकिंग की थी। जो रूम हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा व्यू तो दे ही रहा था, साथ साथ में हर मायने में, यानी कंफर्ट, सर्विस, क्लीनलीनेस, सब तरीके से ये होटल अच्छा था। इस रूम की बालकनी से नजारा देखते शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। पहले दिन हमने होटल के सामने के बीच को ही एंजॉय किया। गोवा के और मुंबई के बीच के कंपैरिजन में ये बीच, यहाँ की रेत, खास तौर पर समुन्दर के पानी का रंग और साफ पानी आपको चौंका दे उतना अलग है। समुन्दर का पानी इतना साफ है कि आप बहते हुए पानी में से भी नीचे रेत पर बनी डिजाइन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बीच पर आपको सी क्रिएचर्स भी खूब देखने मिलेंगे, छोटे बड़े क्रैब, यहाँ तक कि हमने स्टारफिश को भी यहाँ पाया। और हाँ, ये छोटे जीव बिल्कुल हानि नहीं करते हैं। हम यहाँ घंटों पानी में और बीच पर मजा लेते रहे, कुदरत की गोद में, समुन्दर की बाहों में। अपनों का साथ कितनी खुशी दे सकता है इसे तो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा होटल के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ अच्छा सा स्विमिंग पूल है और गार्डन, रेस्टोरेंट सब कुछ है। जहाँ मालवानी या आपकी पसंद का पंजाबी या बिरयानी वगैरह सब कुछ खाना मिल जाएगा। आसपास में भी और छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अब दूसरे दिन हम निकल पड़े स्कूबा डाइव के लिए। तो पहले आपको बीच से एक बोट में समंदर के बीच ले जाया जाता है। उस दौरान आपको स्कूबा डाइव के लिए सारी इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग दी जाती है, और स्कूबा ड्राइव कोई भी कर सकता है, मेरे जैसे डरपोक लोग भी। तो आपको ऑक्सीजन और वजन लगाकर समुन्दर की गहराइयों में ले जाया जाता है। और हाँ, मैंने जो महसूस किया वो अगर आपको बताऊं तो शुरुआत तो डर के साथ ही की थी मैंने, फिर समुन्दर के अंदर का नजारा, आसपास तैरती मछलियां, कोरल्स, सब कुछ देखने पर मैं डर को भूल जाती। फिर कभी कभी बीच बीच में डर जाती, पर मैंने अपना स्कूबा डाइव खत्म तो कर लिया। मेरे परिवार ने तो इसे मुझसे भी ज्यादा एंजॉय किया। तो स्कूबा डाइव के खर्च की बात करें तो पर हेड यहाँ पर आपको 1,000 से 1,500 के बीच में खर्चा आएगा, और ये जिंदगी का यादगार अनुभव रह सकता है। अब शाम को हम पहुँचे मालवण सिंधुदुर्ग किला देखने। इसके लिए रिक्शा लेकर एक बंदर पर जाना है और वहाँ से आपको 100 रुपए पर हेड बोट का टिकट मिलता है, और बोट से आप पहुँचेंगे समंदर के बीच पे बने किले पर। यहाँ काफी लोग आते हैं और किला ऐतिहासिक धरोहर तो है ही है, और साथ साथ किले के अलग अलग पॉइंट से आपको समुन्दर का बहुत अच्छा नजारा भी दिखेगा। किले की इतने सालों पहले बनी पत्थर की ये मजबूत दीवारें, इस किले में देखने लायक और फोटो लेने लायक बहुत सारी जगह है। और अब हो गया है तीसरा दिन, और तारकर्ली के सफर का तीसरा यादगार दिन। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े बोट राइड के लिए, जो हमें ले जाने वाली थी कुछ 7 साइट सीइंग के लिए। ये जो अनुभव था उसे लेने के बाद इसे मैं बोट राइड नहीं कहूंगी, इसे तो कहना चाहिए समुन्दर का सफर।
जी हाँ, ये असली मायने में समुन्दर का सफर है। हमने प्राइवेट बोट की थी जो बैक वाटर से शुरू होती है और बैक वाटर से वो समंदर में जाती है। जो संगम है वहाँ आप पानी में कलर डिफरेंस आराम से देख पाएंगे। ये बोट समंदर की लहरों पर थाप थाप तेजी से चलती हुई आगे बढ़ती है। इस सफर की शुरुआत में हमने डॉल्फिन्स को भी देखा, उसके बाद सुनामी आइलैंड, सीगल आइलैंड, गोल्डन रॉक, देवबाग बीच, मगर के तरीके का पहाड़ और ना जाने कितनी जगह देखते देखते हम समुन्दर में काफी अंदर लाइट टावर तक चले गए। ये समुन्दर के सफर का अनुभव और ये नजारे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कहीं कहीं पे नीला तो कहीं कहीं पे आपको एकदम ब्लू पानी देखने को मिलेगा। हमने एक सी केव भी देखी। वाह, ये तो मैंने आज पहली बार देखा, समुन्दर के बीच में इतनी बड़ी सी केव। और इन बड़े बड़े पत्थरों पर क्रैब जैसे जीवों को भी आप देख पाएंगे, पर इनसे आपको दूरी बनाए रखनी होगी। और इस सफर के दौरान फिशिंग के लिए समुन्दर में जाने वाले बड़े बड़े जहाजों को भी आप देख पाएंगे। और आपको ये भी बता दे कि इंडिया में होने वाला सबसे गहरा स्कूबा डाइविंग भी यहीं पे होता है। घंटों के सफर के बाद ये बोट वापसी में रुकती है सुनामी आइलैंड पर। और ये आइलैंड भी अपने आप में एक अजूबा है। ये देखिए, पहले इस आइलैंड का हाल ये था, हम जमीन को देख सकते थे। ये जो मचान आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फूड स्टॉल है। दोपहर को 3 बजे जब हम यहाँ समुन्दर के सफर से वापस पहुँचे, तब जहाँ सुबह हमने जमीन देखी थी वहाँ एंकल तक का पानी आ चुका था। फिर वहाँ हमने वाटर स्पोर्ट्स किए जिसमें बनाना, बम्पर राइड, जेट्स की सब कुछ शामिल था। बहुत मजा आया। तो राइड के रेट की बात करूँ तो वो गोवा के जितने ही है, पर यहाँ राइड का टाइम गोवा से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग भी किया था। और एक आध घंटे बाद जब हमारे सारे वाटर स्पोर्ट्स खत्म हुए, तब तक सुनामी आइलैंड पर घुटनों तक पानी आ चुका था। अब आप यहाँ जमीन देख ही नहीं सकते। अब हमने पानी में डूबे हुए टेबल पर बैठकर नाश्ता किया। वाह, मजा आ गया। दिस इज ऑल्सो लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये मचान वाले फूड स्टॉल क्यों बने हैं ये हमें अब पता चला। फिर बोट में बैठकर समंदर की लहरों पे झूलते हुए हम हमारे पॉइंट पर वापस लौट आए। घंटों के समंदर के सफर के बाद जमीन पर आते ही आपको कुछ अलग ही एहसास होगा। फिर वहाँ से जाते जाते फिश पाके भी हमने मजे लिए और हम लौट आए हमारे होटल पर। अब हमें रेस्ट की सख्त जरूरत थी। रात को होटल से कुछ ऐसा नजारा दिखता है। आज हमने मजे लिए हमारी सी फेसिंग बालकनी में बैठकर नजारों के साथ डिनर के। हमारे ट्रिप के दौरान हमने होटल के स्विमिंग पूल में भी अच्छे खासे मजे लिए थे। मुझे तो तारकली का ये सफर बहुत ही अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मेरे मन ने इसे गोवा के साथ कंपेयर भी किया। तो उस तरीके से यहाँ किसी भी बीच पे सैक नहीं बने हैं और गोवा जैसे फॉरेन क्यूसाइन और फॉरेन टूरिस्ट आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, पर नेचर एट इट्स बेस्ट है यहाँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, समुन्दर ठीक वैसा जैसा कुदरत ने उसे बनाया है। और पार्टी पीपल्स के लिए ये जगह नहीं है, पर स्कूबा और समुन्दर का सफर यहाँ की हमारे इस सफर की हाइलाइट्स रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी समुन्दर को चाहने वाले हैं और आपके बच्चे भी समुन्दर को पसंद करते हैं तो यहाँ जरूर जाएं।